रिकॉर्ड हो रहा है। हे गाइस दैट्स मी और ये बॉडी बिल्डर हमारे गौरव भैया हैं। आइए हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, व्लॉग बन रहा है। ये सौरभ भैया है एंड ये मेरा फ्रेंड सौरभ। हेलो फ्रेंड। और हम सब साथ इस ट्रेन से जा रहे हैं बनारस, जिसे हम काशी के नाम से भी जानते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कितने ही प्रो हैं व्लॉगिंग में। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। हम बनारस स्टेशन पे पहुंचते हैं और वहां से हम ऑटो रिक्शा की तलाश में चल पड़ते हैं। बट हम ये बैटरी से चलने वाली गाड़ी ले लेते हैं, जो कि ऑटो रिक्शा से बहुत बेहतर है, पॉल्यूशन फ्री, इको फ्रेंडली। क्योंकि मैं बिहार से ही हूँ, इसलिए बनारस शहर मुझे कुछ ज़्यादा अलग नहीं लगा। बट इस शहर की असली सुंदरता यहाँ की कल्चर में है, ना कि इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े बड़े बिल्डिंग्स में। उसी कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए हम जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट। जैसे जैसे हम घाट के नज़दीक जाते हैं, हमें सड़क पे गाड़ियाँ और सड़क के आसपास दुकानें बढ़ती हुई दिखती है। इससे हमें यह पता चलता है कि बनारस शहर मोस्टली घाट के आसपास ही बसा हुआ है। लगभग 15 मिनट बाद हम दशाश्वमेध घाट पहुँच जाते हैं और पहुँचते ही होटल्स की तलाश में लग जाते हैं। बनारस इंडिया का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आता है, सो यहाँ पर ढेर सारे होटल्स हैं। सो इन गलियों से होते हुए हम अपने होटल्स की तलाश को जारी रखते हैं। यह एक एसी रूम है जो हमें 2000 पर नाइट के बेसिस पे मिल रहा था। वेल, अभी तक तो कोई भी रूम पसंद नहीं आया। होटल की तलाश में अभी भी भटक रहे हैं, अभी तक होटल मिला नहीं अच्छा वाला। सो यहाँ आने से पहले हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने होटल्स प्री बुक नहीं किया और यहाँ पर सारे होटल्स ऑलरेडी बुक हो चुके थे और जो अवेलेबल थे वो हमारे बजट से बाहर था। सो अगर आप कभी बनारस जाओ तो होटल्स प्री बुक करके जाना। बनारस में बहुत मुश्किल है होटल खोलना। सो बहुत देर के बाद फाइनली हमें एक होटल मिल ही गया जहाँ पे रूम अवेलेबल था। वैसे तो ये होटल बहुत ही पुराना लग रहा था और बहुत ही बुरे कंडीशन में था, जैसे कि आप देख सकते हो, बट हम बहुत थक चुके थे। प्लस यहाँ से व्यू अच्छा था और पूरा टेरेस हमारे लिए फ्री था। ये होटल बिल्कुल रोड के सामने है, यहाँ पर बड़ा सा टेरेस है। इन सब चीज़ों को देख कर हमने ये होटल को कन्फर्म कर लिया। यहाँ आगे गोदोड़े में बहुत से पान वाले हैं, एक पान लगा था फायर वाला। अच्छा, फायर वाला है? अरे आग लगा देगा पान में, आपको मुंह में डाल देगा। सो एसी रूम में थोड़ी देर आराम करने के बाद हम बाहर निकल गए और चल पड़े खाने की तलाश में। मैंने सुना था कि बनारस स्ट्रीट फूड्स के लिए जाना जाता है और आज मैं वो चीज़ विटनेस करने जा रहा था। ये यहाँ का मार्केट है, VDR मॉल यहाँ का लैंडमार्क है, यहाँ पे आपको रहने का सारी जगह मिल जाएगा। हमें यहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा लगा। तो गाइस हम निकल रहे हैं घूमने के लिए, कहाँ जा रहे हैं? कौन सा घाट चला? दशाश्वमेध घाट। मुझे तो लग रहा था कि अभी धूप नहीं होगा, पर बहुत धूप है। वापस चले क्या? अरे ब्लॉग स्टार्ट किया है, बोले वापस चले। जैसा कि देख रहे हो गाइज, बहुत भीड़ है यहाँ पे। सो गाइज, बनारस में बहुत गर्मी पड़ती है और मैंने जानबूझ के यहाँ पे ओरिजिनल आवाज़ को हटा दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नॉइज आ रहा था। मतलब जब फॉरेनर लोग बोलते हैं कि इंडिया में ट्रैफिक नॉइज बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हॉर्न मारते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ वहाँ लोग हॉर्न मारते हैं। बट बनारस इज़ अ होल डिफरेंट स्टोरी, यहाँ पे अलग लेवल पे ट्रैफिक नॉइज़ है। मैं खुद वहाँ पे परेशान हो गया था ट्रैफिक नॉइज़ से, लोग इतना ज़्यादा हॉर्न मार रहे थे और लोग जहाँ तहाँ जैसे भी गाड़ी चलाए जा रहे हैं, बहुत गर्मी थी। सो ये सब थोड़ा हैक्टिक लगा स्टार्टिंग में, बट बहुत ही एक्साइटिंग था और बहुत मज़ा आ रहा था। इस जगह का नाम है गोदोवालिया चौराहा और ये बहुत ही सुंदर और यहाँ का मेन चौराहा है। यहाँ से जो रास्ता सीधे जा रहा है वो हमें ले जाती है दशाश्वमेध घाट तक, और बीच में काशी विश्वनाथ मंदिर भी पड़ता है। तो गाइस हम जाते हैं कुछ ठंडा पीने के लिए। कौन सा पिए? मसाला सोडा नींबू रहेगा ना? नींबू कम में रहेगा, मतलब उसमें मीठा नहीं रहेगा मसाला कोड़ा में। तीन जगह दे दीजिए भैया। नहीं भैया, हमें मीठा का चाहिए। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। यहाँ पे आइस थोड़ा जा रहा है, आइस थोड़े के नींबू डालेंगे और मसाला डालेंगे, थोड़ा भी डालेंगे।
गर्मी है अभी तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़। लीजिए पीजिए। तो गाइस जबरदस्त नींबू पानी के बाद अब जा रहे हैं गंगा घाट घूमने के लिए। बनारस का ये चौराहा कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है मुझे, सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। जहाँ हम जा रहे हैं लोग यहीं से वहीं से वापस आ रहे हैं पूजा वगैरह करके। तो मार्केट से आपको 25% दुकान कई काफ़ी सारे यहाँ पे। मैं बनारस एक्चुअली अगस्त मंथ में गया था तो ये भीड़ एक्चुअली में कम है। यहाँ पे पीक सीजन अक्टूबर से स्टार्ट होता है और उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। बनारस अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। बनारस की सबसे फेमस चीज़ों में से एक है यहाँ की साड़ियाँ, जिसे हम बनारसी साड़ी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे दोनों साइड जो आपको दुकानें दिख रही हैं वो एक्चुअली सारे कपड़े के दुकान हैं और कुछ खाने की दुकान है। यहाँ पे चिकन साड़ी और बनारसी साड़ी मिल सकती है आपको। सो मुझे लगता है ये एरिया शॉपिंग के लिए बेस्ट है बनारस में। सो अगर आपको साड़ी की शॉपिंग करनी है तो आप दशाश्वमेध घाट के सामने वाले मार्केट में जा सकते हो। मंदिर यही मंदिर है। अभी मंदिर नहीं जा रहे हैं क्या? फिर अभी गंगा घाट घूम के आएंगे फिर मंदिर जाएंगे। गंगा घाट जाने के लिए सीधा चलते रहे। ये देखो फॉरनर बोल रहे थे, बोलते ही सकते हैं हमारे गेस्ट है, वेलकम। ये है हमारा ट्रेडिशनल टैटू। कितना लेते हो? लगाने का? हाँ आते हो घर से फिर लगाएंगे, अभी नहाएंगे तो मिट जाएगा। यहाँ बकरे बताने का वो सीधा काटने के लिए एकदम तैयार बैठी हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही आओगे आप, यहाँ पे लोग आपको बोटिंग के लिए इनवाइट करेंगे। ये दशाश्वमेध घाट है और ये बनारस का सबसे मुख्य घाट में से एक है। इस घाट के अलावा मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट, हरिश्चंद्र घाट और 80 घाट भी बहुत फेमस है। बनारस को वाराणसी भी कहते हैं और वाराणसी दो शब्दों से मिलकर बना है, वरुण और 80। वरुण और 80 गंगा नदी के दो धाराएं हैं जो कि वाराणसी शहर में बहती है। सो 80 घाट जो है वो गंगा नदी के उस दूसरी धारा पे है जिसका नाम 80 था। बैठने के लिए बनाया है पंडा वंडा रहता है। अच्छा आरती कब शुरू है? आरती सामने ये मंदिर है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया हुआ है लोगों को। आरती ओह जो भी थोड़ी डूबी पड़ी है पानी में। भैया क्या बोलना चाहते हो? कितना मस्त लग रहा है पानी। बहुत मस्त, क्या बात कर रहे, इतना मस्त पानी है। कितना ओवरफ्लो है पानी है। अच्छा है पानी। आइए हम लोग पानी देखने चलते हैं। सुरक्षा यूट्यूबर्स की टोली तो अभी धूप है ना, तो अभी क्या कर जाएगा। ये जगह बहुत ही बढ़िया है। ऐसे ही यहाँ पे कई सारे और भी घाट्स हैं। दिस इज़ वन ऑफ द घाट। यहाँ पे लोग नहा रहे हैं तो प्राइवेसी को देते हैं उनको और खुद पे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे लोग जाकर डुबकी लगा सकते हैं। अभी हम कपड़े लेके नहीं आए हैं डुबकी लगाने के लिए, तो कल लगाया जाएगा। जूता पहन के जाओगे भैया? भैया जूता पहन के नहीं जाओगे। आप यहाँ पे बोट ले सकते हो। ये तो बोल रहे हैं 100 रुपये सीट है जो कि महंगा बोल रहे हैं ये लोग। तो मोस्टली यहाँ पे लोग पूजा करते हैं, बोट पे घूमते हैं, गंगा स्नान करते हैं और पूजा करके चले जाते हैं। यह मंदिर है। पूजा पाठ कल ही करते हैं, क्या बोलते हैं? कल आ जाएंगे अच्छे से। लोग नहा रहे थे ऊपर मछली आई है। अंकल क्या जबरदस्त धुन बना रहे हैं यहाँ पे। जैसा भी दिख रहा है दिखने में तो ये बहुत ज़्यादा गहरा नहीं लगता है, ये बहुत गहरा है। लोग ज़्यादा दूर जा नहीं सकते यहाँ पे सेफ्टी के लिए। हर हर गंगे। किसी का माहौल है, लोग अपने पाप धो रहे हैं। आरती अभी नहीं हो सकता क्योंकि जहाँ आरती होता है वहाँ पे पानी है। तो हम लोग चलते हैं, आएंगे बाद में जब गर्मी कम होगी।
मंदिर का दरवाजा खोलते हुए अपने नागा बाबा। गौ माता बिल्कुल बाजार के हाँ काशी विश्वनाथ द्वार इसके अंदर ही मंदिर है। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।